हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी। तो अगर हम बात करें सिग्मा की, जैसा कि हमने लैंग्वेज में डिस्कस किया था, सिग्मा एक्चुअल में होता क्या है, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो अल्फाबेट हैं, ए एंड बी। अब हम बात करें यहां पे पावर ऑफ सिग्मा की, मतलब सिग्मा की क्या पावर हो सकती है। तो मिनिमम पावर क्या हो सकती है सिग्मा की, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ जीरो। मतलब हमारे पास दिया क्या है, अल्फाबेट ए और बी। अब ए और बी को मिला के आपने क्या बनानी है, स्ट्रिंग बनानी है। जैसा कि हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इंग्लिश का एग्जांपल लें, इंग्लिश में भी ऑब्वियसली इंग्लिश की तरह ही है, आपको मैं दे दूं दो वर्ड दे दूं ए और बी, दो अल्फाबेट दे दूं ए और बी, ए और बी को मिलके आपने क्या बनाना, कोई वर्ड बनाना है। वर्ड मतलब एक तरह से कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट बनाना है। तो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स बनानी है, लेकिन लेंथ क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग की, जीरो। लेंथ स्ट्रिंग की जीरो का मतलब क्या है, ना तो आपको ए को लेना ना बी को लेना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप लिखोगे एक तरह से, ये क्या है, एप्साइलम, नल स्ट्रिंग है। एप्साइलम को हम कई बार इससे भी डिनोट कर देते हैं, या फिर इस तरीके से भी सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड अ नल स्ट्रिंग, मतलब एप्साइलम, इट कंटेन्स एप्साइलम, दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा पावर जीरो। देन हम बात करते हैं यहां पे सिग्मा पावर वन, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ वन। मतलब अब आपको क्या बनानी है, वो वर्ड बनाने हैं या वो स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर एक ही, मतलब एक ही लेंथ का वर्ड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, या तो आप ए ले लोगे या फिर बी ले लोगे, या तो आप क्या लिखोगे, अकेला ए, या फिर आप क्या लोगे, अकेला बी। क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सिंगल, मतलब एक ही लेंथ होनी चाहिए, और ये लेंथ आपकी बन गई ए या फिर बी। देन सिग्मा पावर टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ टू। मतलब स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर मतलब सिग्मा डॉट सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमने क्या ली है, ए एंड बी। अब ए एंड बी डॉट ए एंड बी, तो आप ऑब्वियसली अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो तो क्या बन जाएगा, ये ए ए ए बी बी ए बी बी। तो देखो ये आपके पास क्या बन गई, ए ए ए बी बी ए एंड बी बी। तो देखो लेंथ क्या है, टू 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 एंड टू। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये सारी आपकी स्ट्रिंग्स बन गई चार, जिनकी लेंथ आपकी कितनी है, दो। और इसको आप ये भी कह सकते हो, इट इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज। ये भी मैंने ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये सारी वीडियोस लिंक्ड है। जब भी आप इस वीडियो को चेक करो तो इससे पहले एक बार जो लैंग्वेज वाली वीडियो थी वो, या फिर ऑटोमेटा वाली जो वीडियो थी वो एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि ये सारी वीडियोस कहीं ना कहीं लिंक्ड है। आपको जो बेस बनाना अगर टीओसी में, तो ये वीडियो कॉन्टिन्यूटी में ही चेक करें, तब आपको इजिली समझ आ जाएगा। देन सिग्मा पावर थ्री, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ इज इक्वल टू थ्री। तो सिग्मा पावर थ्री क्या बन गया, सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी ए बी ए बी। और ए और बी को हमने जैसे पहले ही मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया, ए ए ए बी बी ए बी बी। तो इसको आपने अगेन मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए और बी से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए ए ए ए ए बी, पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए ए ए ए ए बी बन गया, देन ए बी ए ए बी 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 ए ए बी ए बी 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 ए एंड बी बी बी। तो टोटल हमारे पास कितनी स्ट्रिंग बन गई, एट। लेकिन लेंथ देखो, हरेक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तीन 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 तीन। मतलब हरेक स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट है, तीन, लेकिन टोटल स्ट्रिंग्स हमारी कितनी बन रही है, 8। तो इसे आप एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर 2 की पावर मतलब 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
टू अब टू की पावर थ्री, तो नेक्स्ट क्या बनेगी टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, सिग्मा पावर फोर, सिग्मा पावर फाइव, करते करते ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा टू रेस टू पावर एन, लेकिन उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं सिग्मा पावर फोर फाइव सिक्स सेवन, लास्ट में हम लिखते हैं सिग्मा स्टार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा स्टार को हम लिखते हैं क्लीन क्लोजर, और क्लीन क्लोजर एक्चुअल में है क्या, ए और बी के ऊपर जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल है आप कह सकते हो इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ऑन ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा स्टार विच इज ऑल्सो नोन एज क्लीन क्लोजर, तो इसको आप लिए भी लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्टार, जिसके अंदर आपकी अकेला ए अकेला बी स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी स्टार्टिंग विद ए, कुछ भी जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो, कॉन्टिन्यूस टू ए कॉन्टिन्यूस टू बी कॉन्सिक्यूटिव थ्री ए कॉन्सिक्यूटिव थ्री बी ए बी, जितनी भी आपकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी ए प्लस बी क्लोजर या आप कह सकते हो क्लीन क्लोजर सिग्मा स्टार के अंदर पॉसिबल है, तो ये आपकी जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ये इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आपकी बनेंगी ऑब्वियसली वो क्या बन रही है हमारे पास इनफाइनाइट बन रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ऑन ए एंड बी, तो ये आपका बन गया जिसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस बी स्टार से, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या बनेगी टू पावर जीरो टू पावर वन टू पावर टू टू पावर थ्री, तो ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास क्या आएगा टू पावर एन पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास जो है वो टोटल, ये देखो इसके अंदर हमारे पास जो है कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन रही थी फोर, इसके बाद हमारे पास एट, तो इसमें कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी टू रेस टू पावर एन विच इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल, और लास्ट में एक और पॉइंट यहां पे बता दूं, कई बार सिग्मा प्लस भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, सिग्मा प्लस का मतलब क्या है ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल बट सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए एप्साइलम नहीं होना चाहिए, मतलब आप इसका फॉर्मूला सिंपल यहां पे मैं आपको लिख देता हूं सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस प्लस आप कह सकते हो सिग्मा जीरो, मतलब एप्साइलम, अगर आप एप्साइलम माइनस कर दो मतलब ये इसको आप क्या लिख सकते हो सिग्मा जीरो को क्या लिख सकते हो एप्साइलम ही लिख सकते हो, तो अगर आप सिग्मा स्टार में से एप्साइलम माइनस कर देते हो या लैम्डा माइनस कर देते हो, मैं एप्साइलम ही यहां पे लिख देता हूं एप्साइलम अगर आप माइनस कर देते हो तो ये क्या बन गया सिग्मा प्लस, दैट इज पॉजिटिव क्लोजर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी ये पूछ लेते हैं, सिग्मा स्टार के ऊपर पूछ लेते हैं ए प्लस बी क्लोजर क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, तो ये जो है वो पावर ऑफ सिग्मा से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सिग्मा स्टार में अगर आपसे पूछ ले आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सिग्मा स्टार में, यस आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है जैसे जो नल है वो हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या सिग्मा प्लस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सिग्मा प्लस के अंदर नहीं है, सिग्मा स्टार के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज एप्साइलम एग्जिस्ट करता है, तो अगर हम सिग्मा स्टार में से एप्साइलम निकाल दें तो क्या बन गया सिग्मा प्लस दैट इज पॉजिटिव क्लोजर, थैंक यू।